जो हिंदी मूवी है तो थोड़ी स्लो पेस्ट मूवी है, जिस वजह से शायद ज्यादा ऑडियंस को पसंद ना आए। बट ये सेकंड मूवी जो तीन दोस्तों की कहानी है एंड जिसमें से एक मर्डर मिस्ट्री में फंस जाता है, तो ये मूवी आपको पसंद आएगी, जिसका नाम है माथु वड़ेरा। तो कैसे वो इस मर्डर मिस्ट्री में फंसता है एंड किसने खून किया, आगे क्या क्या होगी, कितनी ट्विस्ट एंड टर्न आपके सामने आएगी, ये सब आप मूवी में देख सकते हो, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। मीन्स की सेकंड हाफ आपको टोटली अमेज करने वाली है, तो मिस मत करना। एक बच्चे को तीन युगों की कंकाल मिलती है, जिनका सालों पहले खून करके जमीन में दफना दिया गया था। तो ये कंकाल किनकी है, किसने इनका खून कर इन्हें दफन किया था, ये मर्डर मिस्ट्री एक मामूली ट्रैफिक कांस्टेबल सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसकी खुद की जान खतरे में आ जाती है। सेकंड मूवी जोरूगा हुसारूगा एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है एंड स्टोरी एंड काफी सिंपल है। तो कहानी एक आदमी की है, जिसकी गर्लफ्रेंड उसी की कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद उसका बॉस उसे पसंद करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इस लव ट्रायंगल में आगे क्या क्या होगा, कैसे संतोष इससे डील करेगा, ये मूवी की कहानी है। तो कॉमेडी एंड रोमांस के लिए आप ये मूवी देख सकते हो एंड दोनों ही मूवीज प्राइम वीडियो पे मौजूद है। नंबर 3 पे है प्रसन्ना मूवी एंड मूवी की इंटरवल ट्विस्ट काफी अमेजिंग है, जो फर्स्ट हाफ में कुछ टाइम स्टोरी धीमी हो जाती है उसमें जान फूंक देती है एंड बचा हुआ कसर इसकी सेकंड हाफ पूरी कर देती है। सुहास की एक्टिंग नो डाउट अच्छी है, बट इसकी स्क्रीन पे ज्यादा टाइट होती तो ये मूवी सुपर होने वाली थी। तो एक थ्रिलिंग मूवी देखना चाहते हैं तो वहाँ ऐप पे इसे मिस मत करना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे ऐसी अमेजिंग वीडियो मिस ना हो। तो फाइनली अब हमें एक अमेजिंग मूवी मिल चुकी है, जिसपे अच्छे से बात कर सकते हैं। तो पहले कहानी जानते हैं। तो कहानी है एक आदमी की, जो अपनी माँ के साथ रहता है एंड जिसने अपने पिता को कभी नहीं देखा। तभी इसके जीवन में एक बुरा आदमी दो ट्विस्ट के साथ आता है एंड पहले ट्विस्ट में वो उसे ये बता के शौक देता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। एंड देन वो बुरा आदमी उसे एक दूसरे इंसान से मुलाकात कराता है, जहां उसके साथ आप भी शौक में आ जाते हो, ये कैसे हो सकता है। एंड यहां से कहानी और भी पेचीदा एंड एंगेजिंग होती चली जाती है। तो उसका बाप कैसे जिंदा हो सकता है, इस दूसरे आदमी की मिस्ट्री क्या है। नंबर 2 पे है गोलम मूवी, जो एक मलयालम सस्पेंस मूवी है एंड बॉलीवुड की राइटिंग अमेजिंग होती है, ये आप जानते हो। तो एक सस्पेंस मूवी जिसमें कंफ्यूजन कायम हुआ हो, जिसमें थ्रिल हो, ट्विस्ट हो, बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन सीन हो, ऐसी मूवी देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पे इसे देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, जो क्रिटिक्स के भी होश उड़ा चुकी है। मूवी एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बट उससे भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलेगी। तो कहानी में एक ड्रामा ग्रुप है, जिसमें सभी मर्द है, बस एक लड़की है। तो एक रात ये सभी एक जगह पार्टी करते हैं एंड उसी रात इन सब में से एक आदमी उस लड़की के साथ कुछ करता है, जिसके बाद ये सभी उस आदमी को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। बट जिस तरह से बाकी लोगों को ये कर एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न सामने आती है, आप सोच नहीं सकते। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ वो कांड किया, एंड अब आगे क्या क्या होगा, ये मूवी की कहानी है। तो 7.7 के IMDb रेटिंग के साथ नंबर 1 पे है सूर्या सैटरडे मूवी, जिसके स्टार कास्ट में है नानी एंड SJ सूर्या। एंड दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग है। जितने नानी दमदार है, उतने ही SJ सूर्या कमीना। उस बंदे से आपको नफरत हो जाएगी, ऐसी अमेजिंग एक्टिंग उस बंदे ने की है। तो बेसिकली कहानी सुपर हीरो टाइप है, जिसमें आपको एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, थ्रिल, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। गानों की डबिंग भी काफी अच्छी है। तो अमेजिंग मूवी है, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे ऐसी अमेजिंग वीडियो मिस